देश पूछते हैं। तो ये अभी चल रहा था जंगल का रास्ता, बिल्कुल एकदम गुप्त जंगल। ओ भाई देखो साहब, इतनी धूप में खड़े हो, गर्मी नहीं लग रही? समय बिताने के लिए करना है कुछ काम। पारा फगवाड़ा गुच्ची पता नहीं कहाँ चला गया, चाय पीने बैठे थे यहाँ अभी। गुड मॉर्निंग जी, कैसे हैं जी सब लोग? तो जी गुड मॉर्निंग हो रही है आज फिर हमारी गोवा से, और आज हमारा चेकआउट है। दिल नहीं कर रहा गोवा छोड़ के जाने का, बट टूर बड़ा लंबा है भाई, उसके अकॉर्डिंगली प्लान करना पड़ता है सर। फिर भी बहुत सारा दिन बिता लिए गोवा के अंदर, और आपको सारे व्लॉग देखे ही होंगे आपने, सारी जगहें कोशिश करी आपको दिखाने की, आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। तो अभी बच गए हैं सुबह के 8:30 और अपना चेकआउट आज, तो इसलिए फटाफट जा रहे हैं। आज जल्दी उठ गए भाई, उठना पड़ा जल्दी क्योंकि आज चेकआउट है, तो बहुत सारे काम है, कमरा समेटना होता है, मेन बात तो ये है। हल्की सी झलक देखिए हमारे कमरे की, गुच्ची जी अभी सो रहे हैं, और ये देखिए सब कमरा कैसे फैला हुआ है, बहुत बुरा हाल है कमरे का भाई। ये देखिए सब कुछ ऐसे फैला हुआ है हमारे कमरे के अंदर। तो जी बस फटाफट स्विमिंग करेंगे, पूल में मस्ती करके नाश्ता करेंगे, और रफू चक्कर हो जाएंगे। तो जी चले पूल की ओर, ओ मैं तक चले पूल की ओर। पूल पे चले जी, डुबकी लगाएं भाई। गुच्ची कह रहा था मैं भाई आज पूल में नहीं जाऊंगा, सिर्फ जकूजी। यहाँ के बता था जकूजी बंद है भाई साहब, वो जकूजी यार शायद इससे यार गोप्रो पे ना जूम करके दिखता नहीं है यार, तो वहाँ लिखा हुआ है जकूजी का टाइम, शायद आपको इसमें दिख रहा हो तो 11 बजे से 3 बजे तक है, फिर शाम को 4 से 8 है। गुच्ची का मूड ही खराब हो गया है बिल्कुल, नहाया है उन्हें ठंडा पानी, टेंशन मेरे को होनी चाहिए और तेरे को हो रही है। हाँ 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 आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है, ठंडा पानी सुबह सुबह आए हैं और ठंडा पानी नहीं, तो हमेशा दोपहर में आते हम लोग। ओहो अरे कौन, बहुत ठंडा है यार पानी। मैं तो जैसे जा रहा, मैं तो ये स्विमिंग हो गई, आप करें फटाफट से ब्रेकफास्ट और गाड़ी उठाएं और चले पूना 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 पूना। तो जरा ब्रेकफास्ट डाल लें, फिर टेबल पे बैठ के बात करते हैं, कुछ बताते हैं आज का प्लान ऐसा क्यों और वैसा क्यों। तो जी आज मैं फिर आपको फूड टूर दे दूं लास्ट, फिर आज से चेकआउट ही है। फ्रूट जूस, डिटॉक्स वाटर, बीटरूट जूस, सैलेड, फ्रूट, अच्छा और भाजी, इडली, मसाला डोसा, राइस, सब लाइव म्यूजिक चल रही है, एंड अगेन द लाइव ऑमलेट काउंटर सेक्शन। You can get plain omelette, masala omelette, cheese masala omelette, fried eggs. Good morning.
एंड बॉयल्ड एग्स, चिकन सॉसेजेस, चिकन पॉपकॉर्न्स। तो जी आपको मैंने दिखा दिया आज लास्ट। हाँ जी, तो जी आज प्लम खा रहे हैं, उपमा, पाव भाजी। बहुत सारी ऑप्शन है आपको दिखाई है, छोटा छोटा मील लेते रहते हैं, सब कुछ टेस्ट कर लेते हैं। तो जी गोवा से वैसे तो हमारी जर्नी है ही पुणे की, हमने बनाया ही पुणे हुआ था, लेकिन बीच में दो हिल स्टेशन आते हैं लाइक सतारा एंड महाबलेश्वर। तो मेरा मूड था कि मैं उसको कवर करूं, कि आपको सतारा हिल स्टेशन दिखाऊं या महाबलेश्वर दिखाऊं। महाबलेश्वर तो बहुत सर्चेज में आता है भाई, और बट मैंने यहाँ लोकल से पता किया तो वो सब लोग बोल रहे हैं कि जाने को आप जा सकते हो, बट वो ऐसी जगह है महाबलेश्वर या सतारा कि अगर आप रेनी सीजन में जाओगे तो आप उस जगह को एंजॉय कर सकते हो, कि फुल ग्रीनरी होती है, सब कुछ होता है। इस समय आपको कुछ नहीं दिखेगा, बिल्कुल ड्राई माउंटेन्स, क्योंकि वो सारा ना ग्रीन बेल्ट है, बिल्कुल पूरा ग्रीन, मतलब हिल्स जो है ना सारी ग्रीन है वहाँ पे। तो वो कह रहे हैं इसमें जाने का कोई बेनिफिट नहीं है, बहुत अजीब सा वेदर है उधर, वेदर भी अच्छा नहीं है, और मानसून में ही जाते हैं लोग। तो जी फिर फिलहाल हमने प्लान कैंसिल किया सतारा और वहाँ जाने का, क्योंकि मैं सोच रहा था वहाँ भी एक दिन स्टे किया जाए। तो अभी हम आज निकलेंगे सीधा पुणे के लिए। तो जी बस ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लें, फिर मिलते हैं जल्दी से रेडी होके। तो जी फाइनली गोवा से जा रहे हैं और अपना सफर चालू होने वाला है पुणे का। अगर मैं दोबारा दिखा दूँ आपको, ये था हमारा होटल एस्टेला दो मार, ये रही हमारी गाड़ी, और अपना सफ़र चालू होने वाला है। दिल्ली से गोवा कंप्लीट हो गया है, अब वापसी जाएंगे। जी हम गाड़ी के अंदर और सफर चालू हो गया है हमारा गोवा से। ये तो राइट मुन्ना फगवाड़ा रोड दे। फगवाड़ा? फगवाड़ा रोड? केडी रोड से की? फगवाड़ा रोड नहीं से की? ये केडी रोड है यार? फगवाड़ा? अरे कल जितने फोटोशूट किया सी वो केडी रोड? पारा रोड। अच्छा पारा रोड, मैंने लगा फगवाड़ा रोड। राइट 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 और हमने होटल बुक किया अगोड़ा से। फगवाड़ा, पारा, अगोड़ा, अगोड़ा। वाह यार रोड तो ये भी अच्छी लग रही है मेरे भाई। है बढ़िया। देखो भाई तो ये अपना सफर चालू हो चुका है गोवा से पुणे तक का, और गोवा का रास्ता खत्म हो जाएगा उससे पहले। आप देखिए जरा प्यारा सा रास्ता, तो जी दोबारा से ड्रोन शॉट की तैयारी हो रही है। पिछले वाला अटेम्प्ट हमारा ज्यादा कामयाब नहीं रहा, क्योंकि वहां कुछ मैग्नेटिक फील्ड थी, ड्रोन उड़ ही नहीं रहा था, जरा सा उड़ा 10 मीटर के ऊपर जा ही नहीं रहा था, ना आगे ना पीछे ना लेफ्ट ना राइट, राइट लाइट आ रही थी उसके अंदर। तो जी अब यहाँ पे बहुत बढ़िया व्यू है, आपको दिखा। और देखिए क्या इतनी चौड़ी सड़क है भाई, इतनी वाइड और पूरे जबरदस्त व्यू है एकदम। ये हमारा ड्रोन उड़ने को तैयार है। ये गया जी। रस्ते में ही है पुणे जाते हुए, और भाई गाड़ी में पता नहीं लग रहा था एसी चल रहा है, एकदम फील्ड बाहर निकले, इतनी तेज धूप है, लू चल रही है, लू
तेज लू है ना, मैं क्या बताऊं आपको। और थोड़ी सी नींद नींद सी आ रही थी यार, तो सोचा चाय पी लूं। बहुत बढ़िया भाई साहब है हमारे सामने खड़े हुए हैं, आपको मिलाते हैं इनसे, चाय पिलाएंगे ये हमें। देखिए मिलिए। अरे कहना क्या चाहते हो? इतना शानदार चाय के कप लेके खड़े, मूछे हो तो नत्थू लाल जी जैसी हो, वल्लाह ला कर जबरदस्त। भाई साहब इतनी धूप में खड़े हो, गर्मी नहीं लग रही हैं? थके भी नहीं है भाई साहब, चाय कब लगे? केतली भी है जी इनके पास, मस्त आदमी, क्या स्टैचू है। चलिए हम चलते हैं चाय पीने। अरे बिना शुगर के ना? हाँ विदाउट शुगर। हाँ जी गुरशरण सिंह जी, गाड़ी से एसी से निकलने के बाद आपको कैसा एहसास हो रहा है? ऐसा लग रहा है जून जुलाई में हम, जून जुलाई का महीना लग रहा है। नहीं जून जुलाई में तो फिर भी बरसात होती है यार, वो लू चल रही है यार। हाँ लू लू वो वाली लू नहीं, गर्मी वाली लू। चलो जी चाय मंगा रहे हैं, टी लें। अब कहाँ चला गया गुच्ची? गुच्ची पता नहीं कहाँ चला गया, चाय पीने बैठे थे यहाँ अभी, पता नहीं कहाँ चला गया, दिख ही नहीं रहा। फोन भी गाड़ी में छोड़ गया यार, कहाँ गया? वॉशरूम भी नहीं गया, मुझे बता के भी नहीं गया कहाँ गया। हाँ चला गया भाई। ओ अबे ओ किथे है तू यार? आजो आजो ओ तू किथे चला गया सी? अरे मैं यार इतना शॉट ले रहा सी यार, थोड़े जे मैं कह यार रोड रोड कुछ दिखा दी है सबनों। अच्छा हाँ मैं क्या पता नहीं किथे चला गया, मैं दिख जा रहा तन्नू, मैं बस वैसे शॉट्स वगैरह ले रहा सी यार। यार इतना ना तू इधर तो जाएगा ना दस के जाएगा। अरे यार बाई चांस हो गया, मैं शॉट लेने गया सी, कोई नहीं। फोन भी तो गड्डी चलाई है ना यार। अरे चार्ज नहीं लगा के मैं भूल गया सी यार, मैं कटिया ही नहीं, गर्मी इतनी हो रही है। देख बाहर मैं फोन पे गल कर रहा हूं, तू गायब हो गया एकदम। ओ तो जी चाय पी के निकल चुके हैं जी हम पुणे के सफर के लिए, और अभी तक हम सिर्फ आए हैं 96 किलोमीटर गोवा से, और जिसमें हमारी गाड़ी दे रही है 14.2 की एवरेज, और हमें लगे हैं यहाँ तक पहुँचने में 2 घंटे। देखते हैं कितना टाइम दिखा रहा था भाई, 7.5 घंटे, 9:30 तक पहुंचेंगे। 9 बजे 9:30 बजे रात को। ओके चलिए जी, थोड़ी सी गोवा की तो देखी आपने धूप, आप ये हाईवे की भी धूप देखी है, लेकिन हाईवे बहुत बढ़िया है भाई, दूर दूर व्यू साफ सुथरा देखिए। समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, शुरू करो व्लॉगिंग लेके प्रभु का नाम। मैं कहा जी बातें शातें कर ले, रास्ता बड़ा लंबा है, और वापिस इसलिए आए हैं बातें करने आपसे क्योंकि भाई अब मिला है कुछ ढंग की जगह, और यहाँ लग रहा है कि कुछ नहीं है, और यहाँ ड्रोन शॉट प्रॉपर आएगा। गुरचरण सिंह जी तैयारी कर रहे हैं ड्रोन शॉट लेने की। होम पॉइंट अपडेटेड। लगी है थोड़ी सी, तो रास्ते में रुके हैं जंगल में मंगल, पूरा रास्ता
हाईवे जब खत्म हुआ पहले तो ये बताओ ड्रोन शॉट कैसा लगा? बढ़िया लगा ना, मजेदार भाई। यहाँ भी दिक्कत हो रही थी, गाड़ी के अंदर लग रहा था कि हवा नहीं चल रही, लेकिन बहुत तेज हवा चल रही थी। पर इस बार कोई सिग्नल भी नहीं आया तो उड़ गया फाइनली ड्रोन। तो ये अभी चल रहा था जंगल का रास्ता, बिल्कुल एकदम घुप जंगल, घना जंगल, और बीच में एक छोटा सा अच्छा मिला है, जो भी समझ लीजिए इसको, ढाबा समझिए, जो भी समझिए। ये है श्री समर्थ कृपा होटल। तो ये बस यहाँ कुछ ज्यादा नहीं है खाने को, मिसल पाव मंगाया है, मिसल पाव खाएंगे और आगे सफर चालू करेंगे। अभी तो बड़ा लंबा सफर है पुणे तक, मिलते हैं रास्ते में फिर। तो जी आ गए हैं जी, मिसल पाव खाएं जरा, मिसल पाव लग तो बढ़िया रहा भैया। आपने कितना प्यारा है, और एक ऐसी लोकेशन आई कि दिल किया कि रुक के आपको दिखाई दूं जी। भाई जबरदस्त वैली व्यू है, देखिए जरा, अमेजिंग, ऐसी ब्यूटी है भाई इस रास्ते पे ना, गोवा से पुणे के, देखिए बीच में लेक, कितनी ब्यूटीफुल लेक है। देखिए कुछ चीजें यार ऐसी होती हैं कि ना, मतलब क्या बताऊं मैं, कि आपको बस दिखा सकते हैं हम, लेकिन उसको जो देखने का मजा यहाँ खड़े होके है ना, वो कहीं नहीं है भाई, अमेजिंग है जी, अमेजिंग। चलिए मिलते रहेंगे ऐसे ही कुछ ब्यूटीफुल 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 नजारों के साथ। भाई मुझे लग रहा है मैं दोबारा से गैंगटॉक पैलिंग वैलिंग आ गया हूँ। देखो ये चढ़ाइयाँ देखो आप, ओ भाई देखो भाई, मेरे को पूरे झूठे मटे भी देखना आप, मेरे कैमरामैन मेरे पे फोकस करो। सॉरी भाई, ओ भाई बड़ी तगड़ी चढ़ाई है भाई, ये बहुत जबरदस्त है, ये भी मतलब नॉर्मल नहीं है। लेकिन एक बढ़िया बात है, जैसे हिल स्टेशन में सड़कें थोड़ी टूटी फूटी होती हैं भाई, अमेजिंग है, क्या काम करा हुआ है, सड़क बहुत बढ़िया है। देखो आप रास्ता देखो जरा आप, कितना सुंदर है भाई, जबरदस्त। और अगर किसी ने सतारा आना हो तो भैया रेनी सीजन में आए, हम भी प्लान कैंसिल कर दिया हमने रुकने का, क्योंकि अभी यहाँ पे ना सब कुछ ड्राई ड्राई है, घास कुछ ज्यादा सही नहीं है। तो कहते हैं कि भाई ये तो रेनी सीजन में इतना ग्रीन होता है कि आपको मजा आ जाएगा, तो मैं दोबारा एक बार आऊंगा रेनी सीजन में, पक्का आएंगे दोबारा। तो जी अब दिखना शुरू हुआ है जी पुणे का बोर्ड, पुणे रह गया है 201 किलोमीटर, और हमारे यार इधर दिखाओ पहले, हमारे में दिखा रहा 200 किलोमीटर। इस 1 किलोमीटर का जवाब कौन देगा, देश पूछते है? देश पूछता है इसे 1 किलोमीटर का जवाब कौन देगा, वहां 201 यहाँ 200, ऐसा कैसे। और ये देखिए एक और लोकेशन दिख रही होगी आपको सतारा के नाम से, हमारा यहाँ पर रुकने का प्लान था लेकिन हमें सबने मना कर दिया कि जी अभी कोई बेनिफिट नहीं है सतारा रुकने का, क्योंकि रेनी सीजन में सतारा रुकने का बेनिफिट होता है कि आपको पूरी ग्रीन हिल्स बहुत ब्यूटी दिखेगी, ग्रीनरी ग्रीनरी, इस समय आपको सब कुछ सूखा सूखा दिखेगा। देखो जी गाड़ी वॉशिंग हो रही है जी, हमारी कार वॉश, अंदर बैठे बैठे कार वॉश करा रहे हैं, और भाई साहब आए और एकदम फवारा चालू कर दिया, हमें बताया भी नहीं, हमें पूछ ही रहे हैं अभी कि कार वॉश, भाई मोटर चलाई पाइप लेके आया, धर 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 धर। भाई बंदा उतरने भी नहीं दे रहा उतरने भी नहीं दे रहा, उतरने का वॉशिंग हो जाएगी, हो जाएगी कितने पैसे, कहते 100 रुपए, इतने में एक बंदा आया पाइप लेकर धनाधन धनाधन धनाधन, ये देखो उतरने भी नहीं दिया मैं, मतलब क्या बताऊं मैं, ये देखो हालात देखो जरा एकदम सही। एक मिनट देखो, ये देखो
मतलब कितने मेहनती लोग हैं यार। तो जी अपनी गाड़ी वॉशिंग हो रही है जी, तरह ठंड बहुत गंदी हो रही थी। तो जी अपनी गुलाबो हो गई है चमक के रेडी, ये देखिए आप चमचमा रही है एकदम टनाटन, अब चमक गई है, अब मजा आएगा। गाड़ी चलाने का भी मजा आता है यार, साफ सुथरी एकदम नीट एंड क्लीन गाड़ी हो ना। तो ये चलते हैं, सफर बहुत लंबा है अभी, चलते का नाम गाड़ी। चलिए जी, अभी शाम हो गई है और नींद आ रही थी बड़ी तेज, तो हमने मंगवाया है वड़ा पाव एंड चाय। जी हम पहुंच गए हैं पुणे, मजा आया है रास्ते में, बहुत बढ़िया रास्ता था। और हम सुबह चले थे जी 12:15, इस समय बज रहे हैं रात के 10, देखिए रात के 10 बज रहे हैं, में लगे मतलब 10 घंटे आने में यहाँ पे। लेकिन आप लोग अगर आएंगे बाय कार तो आपको काफी कम लगेंगे, क्योंकि भाई हम लोग जरा कभी रील कभी व्लॉग कभी ड्रोन शॉट उसके अंदर हमारा टाइम बहुत लग जाता है, तो आप लोगों के शायद हमारे 2 घंटे तो फालतू लगे होंगे ना इन कामों में। तो आप लोग अगर आएंगे तो 8 घंटे में पहुंच जाएंगे, और गोवा से पुणे तक हमारे हुए हैं जी 450 किलोमीटर, 450 किलोमीटर का रास्ता है, जिसमें 2-4-5 किलोमीटर ऊपर नीचे हो सकते हैं, क्योंकि हमको भी कुछ खाने पीने के लिए लेफ्ट राइट भी ले लेते हैं, तो 5-7-10 किलोमीटर का फर्क आ सकता है, किसी के कम भी हो सकते हैं किसी के ज्यादा भी। अब बाकी बातें करते हैं होटल में पहुँच कर। तो जी पहुंच चुके हैं, पूरा होटल ले लिया हमने, द बेस्ट सपना सपना होटल, और ये हमारा दिल्ली पुलिस का नंबर 100, कमरा नंबर 100, और ये जूनियर स्वीट रूम है जी, ये सिटिंग एरिया, ये डाइनिंग टेबल लगी हुई है, और ये बेड, और बाथरूम तो क्या दिखाएं यार, और ये हम वही जरा सामान वान सेट कर लें जरा, वैसे तो आ ही गया, तो थोड़ी देर में सामान समून सेट करके आपसे बात करते हैं। हाँ जी बस सामान समून सब कुछ आ गया रूम के अंदर जी, और अब जरा फ्रेश फ्रेश होएंगे और खाना वाना खाएंगे, खाना वाना तो मंगाएंगे, पहले करेंगे एडिटिंग व्लॉग की, और आज एडिटिंग होगी डाइनिंग टेबल पर बैठ के। क्यों जी गुरचरण जी? हाँ डाइनिंग टेबल पे बैठ के होगी आराम से, लोग डाइनिंग टेबल पे खाना खाते हैं, हम एडिटिंग करेंगे। तो जी आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक तो बनता है, तो लाइक जरूर करना और कमेंट करके बताना कि क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा आपको, कमेंट जरूर कर दिया करो यार, पहले कमेंट आते थे आज फिर कमेंट कम हो गए हैं व्लॉग्स के अंदर। तो जी प्लीज लाइक एंड कमेंट, और आज के ब्लॉग में बस इतना ही है जी, कल का दिन होगा, कल नई शुरुआत होगी, नई जगह होगी, और आपको पुणे घुमाएंगे कल हम बढ़िया सा, हंस दे रहो वस दे रहो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे रहो, रब रखा।